मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां बीजेपी पर सीएम गहलोत का प्रहार, आम आदमी को लगने लगा है लोकतंत्र खतरे में, ऐसा कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, साथ ही मोदी जी ने सभी संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रखी हैं, ऐसा कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। आपको बता दें कि देश में जिस तरह के हालात, उसके मुल्क चिंतित है। आरबीआई को नोटबंदी का हिसाब देने में 2 साल लग गए और साथ ही कहा कि नोटबंदी से देश को नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की परवाह बगैर नमो टीवी चल रहा है, दूरदर्शन और रेडियो पर भी सरकारी गुणगान हो रहा है। साथ ही कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी हथकंडा अपना रही है और शासन सिर्फ 2 लोग चला रहे हैं, ऐसा कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। शासन में मोदी जी और शाह की ही चलती है और साथ ही कहा कि गुजरात के किसानों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। मोदी जी जहां जा रहे हैं राजस्थान के सीएम को टारगेट कर रहे हैं। जब मैंने राजस्थान के हितों की रक्षा की तो उन्होंने मुझ पर आरोप लगाए। साथ ही कहा कि अलवर कांड पर मोदी जी राजनीति कर रहे हैं और थानागाजी की घटना को जाने बगैर मोदी ने आरोप लगाए हैं। अलवर कांड पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है और साथ ही कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि राजस्थान पुलिस देश में एक मॉडल बने। मायावती जी का कमेंट करना स्वाभाविक है, उन्होंने समर्थन वापसी के लिए कहा है, लिया तो नहीं। साथ ही कहा कि राजस्थान में बसपा का समर्थन हमारे साथ है और बना रहेगा। अपराध पर कंट्रोल हमारी पहली प्राथमिकता होगी, ऐसा सब कुछ कहा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। जयपुर में एक प्रेस वार्ता करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, कहा अपराध पर कंट्रोल करना हमारी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज मीडिया से रूबरू हुए, सीएम गहलोत सीएमआर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बीजेपी पर सीएम गहलोत का प्रहार, आपको बता रहे हैं आम आदमी को लोकतंत्र खतरे में लगने लगा है, ऐसा कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और साथ ही कहा कि मोदी जी ने सभी संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रखी है। आरबीआई को नोटबंदी का हिसाब देने में 2 साल लग गए। देश में जिस तरह के हालात हैं और उससे मुल्क चिंतित है। जो जिस प्रकार के हालात चल रहे देश के अंदर, उससे पूरा मुल्क चिंतित है। मोदी जी के शासन आजादी के बाद में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि आम आदमी को लगने लग गया लोकतंत्र खतरे में और संविधान भी खतरे में। सारी संस्थाओं की धज्जियां उड़ा रखी है, चाहे सब दबाव में काम कर रहे हैं, चाहे जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या ईडी हो, जो संस्थाएं 70 साल में बनी हैं और जिसकी प्रतिष्ठा पूरे विश्व में है, उनके बारे में ऐसी धारणा बनना ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और तो नोटबंदी के हिसाब जो है, आरबीआई को 2 साल लग गए ना पार्लियामेंट के अंदर और ना पार्लियामेंट के बाहर हिसाब देने में, जबकि बैंकों के हिसाब शाम तक पूरे हो जाते। इन हालातों में ये देश चल रहा है और मोदी जी और उनकी टीम, अब मोदी जी अभी सारी दो, उनका डियो जो है दो ही, वो मिलकर के जिस रूप में माहौल बनाए हुए हैं कि 2 लोग ही शासन करते हैं, शासन में सिर्फ 2 लोग ही चलती है और सारी संस्थाओं वाले पीएमओ से गाइड होते हैं, पीएमओ से दबाव आते हैं और दबाव के अंदर तमाम संस्थाओं को काम करना पड़ रहा है।